हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज शिवरात्रि है तो कुछ फलाहार डिश तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोरैया की खीर, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है मोरैया, और व्रत में हम इसको खा सकते हैं। और ये गुजरात में बहुत अधिक बनाया जाता है और बहुत अधिक मिलता भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे इसको हम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मोरैया का खीर बनाने के लिए मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है, और उसको पहले हम थोड़ा सा अच्छे से बॉयल कर लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। ये है मोरैया, इसको मोरैयो बोलते हैं, बराई भागर भी बोलते हैं इसको। और ये इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, एकदम छोटे 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 दाने होते हैं एकदम। और इसको हम सबसे पहले इसको अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद इसको हम ओनली 10 मिनट्स के लिए भिगो देंगे। और भिगोने से क्या होता है कि एकदम खिला खिला बनता है। उसके बाद हमारा दूध यहाँ पे देखिए गाढ़ा हो गया है और बॉयल भी अच्छे से आने लगा है। और यहाँ पे हम जब ये उबलने लगेगा तभी इसके अंदर हम डालेंगे, तो अच्छे से वो खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे हम केसर के कुछ धागे लेंगे और उसको हम गरम दूध थोड़ा ले लेंगे और उसी में इसको भिगो देंगे, तो इसका केसर फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। आप इलायची डाल के भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे हम देखिए, और बीच बीच में चलाते रहेंगे और ताकि हमारा लगे नहीं, तो आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले दाने निकल रहे हैं इसमें से, और एकदम अच्छे से। तो अच्छे से होने के बाद फिर इसके अंदर हम केसर जो हमने भिगोया था उसका दूध, केसर वाला, हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़े किशमिश डालेंगे, आप और भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल किशमिश का यूज किया है, और मैं ऊपर से गार्निश में थोड़ा सा आलमंड यूज करूँगी। और यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमको लास्ट में ही ऐड करना होता है, बीच में ऐड नहीं करते हैं चीनी, नहीं तो हमारा जो खीर है वो फट सकता है। खीर को हमें थोड़ा पतला ही रखना है, नहीं तो बाद में गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इस तरह का हो जाता है, तो ऐसा ही रखना है हमको, ये गाढ़ा गाढ़ा ऐसा ही अच्छा लगता है। रेडी हो गया है, अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो इसको एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोरैया का खीर कैसा लगा, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना हमें। और तो इंजॉय कीजिए, आज फास्ट भी है, शिवरात्रि भी है। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो ज़रूर मिले।